हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्धचालक किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं और इनमें एक दूसरे को मिलाने से किस प्रकार की जो है अर्धचालक बनते हैं, वो आज हम इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है अर्धचालक। तो अर्धचालक, जैसा कि आपको उसके नाम से समझ में आ रहा हो, जो अर्धचालक हों यानी आधे चालक हों, पूरी तरह से चालन का ना करते हों, और विचालन किसका? विद्युत का। तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत का पूर्णतः चालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। और अगर हम चालक, स्वचालक और कुचालक के आधार पर इसको समझें, तो जिनकी चालकता कुचालकों से कम और सॉरी कुचालकों से कैसी हो उनकी चालकता? कुचालकों से अधिक हो और स्वचालकों से कम हो, क्योंकि स्वचालक तो पूर्णतः विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उनसे कम होना चाहिए। कुचालक बिल्कुल नहीं करते, तो इनसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। तो परिभाषा इसकी बन जाती है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता धातुओं एवं अधातुओं के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने इसको कवर कर लिया था, आज हमें इसके प्रकारों को समझना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा धातु धातुओं के आधार पर भी कर सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालकों से अधिक और स्वचालकों से कम होती है, या इनके मध्य होती है, कुचालक और स्वचालक के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। और इनकी चालकता बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो इसका हम कारण समझा चुके हैं, क्योंकि क्या होता है, इसमें दो प्रकार के बैंड होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। जिनकी ऊर्जा कम होती है उनको संयोजी बैंड बोलते हैं, जिनकी ऊर्जा अधिक होती है उनको चालन बैंड बोलते हैं। तो ताप बढ़ाने से जो कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ताप प्राप्त करके ऊपर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच जाते हैं, जिससे इनके जो चालन बैंड में पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है चालन करने लगते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अब प्रकार आते हैं कि अर्धचालक निम्न दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार और पी प्रकार के। तो एन प्रकार के अर्धचालक, उसके एन से आपको याद रखना है, एन मतलब नेगेटिव। तो जब नेगेटिव, मतलब आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें बच जाते हैं या होते हैं, तो इस प्रकार के जो अर्धचालक बनते हैं उसे हम कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। तो देखिए कैसे बनते हैं, आपको समूह याद रखना है 13, 14 और 15। इनमें से बच्चों 14 जो है वो कॉमन रहेगा। एक बार हम मिलाएंगे 13वें समूह के तत्वों को और एक बार मिलाएंगे हम 15वें समूह के तत्वों को। अलग अलग अगर हम 13वें को मिलाते हैं और 15वें को मिलाते हैं, तो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक इसमें बनते हैं। तो अब देखते हैं हम तो कौन से प्रकार के मिलाने से, 13वें समूह को 14वें मिलाने से एन प्रकार के बनते हैं या 15वें को मिलाने से एन प्रकार के बनते हैं। देखिए, अब समूह 14 के तत्वों को क्या हो रहा है? ये समूह 14 के तत्व दोनों में कॉमन रहेंगे। समूह 14 के तत्व, अब आपको याद होना चाहिए समूह 14 के तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और टेन और लेड। ये समूह 14 के तत्व हैं, इनमें से आपको सबसे अच्छे से याद रखना है जो अर्धचालक कहलाते हैं, जो उपधातु होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो इन समूहों को या इन समूह के तत्वों में जब समूह 15 के तत्वों को मिलाया जाता है, समूह 15 के तत्व हैं आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये समूह 15 के तत्व, इनमें से आपको फास्फोरस और आर्सेनिक अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो है उपधातु के रूप में काम करते हैं, ठीक। तो जब इनको एक दूसरे में मिलाया जाता है, तो आपको पता होगा कि समूह 14 के तत्व जो हैं चार बंध बना सकते हैं अधिकतम, ठीक है, और हम 15वें समूह के तत्वों को मिला रहे हैं तो वो बना सकते हैं 5 बंध, यानी 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इनसे शेयरिंग करके 4 बंध बन जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा बच जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी वजह से जो अर्धचालक हैं वो विद्युत का चालन करने लगते हैं। तो मिलाया जाता तब एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, जिनकी चालकता ऋणावेशित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। तो अभी आपने देखा कि 15वें समूह के तत्वों को जब मिलाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, जो कि एक ऋणावेशित है। तो इन्हीं ऋणावेशित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलाया हमने अशुद्धि, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है? उनमें विद्युत धारा बहने लगती है। अब पी प्रकार के, अब आपको पता समझ में आ गया होगा कि 14वें समूह के तत्व में जब 15वें को मिला रहे हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक बन रहे हैं, तो पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनेंगे? समूह 13 के तत्वों को मिलाकर, ठीक है। तो पी प्रकार के अर्धचालक के नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो प्लस चार्ज के हिसाब से उत्पन्न हुए हों। देखिए, जब समूह 14 के तत्वों में समूह 13 के तत्वों को मिलाया जाता है, समूह 13 के तत्व होते हैं बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये सब समूह 13 के तत्व हैं। जब इनको हम 14वें में मिलाते हैं,
पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं और इनकी चालकता जो है धनाभिसरित अतिरिक्त छिद्रों, इसमें धनाभिसरित होते हैं लेकिन छिद्र होते हैं, इन छिद्रों की गति के कारण जो है विद्युत धारा बहती है। अभी कैसे बनती है तो देखिए, समूह 14 के तत्व, अभी हमने आपको बताया कि चार इलेक्ट्रॉन के पास अंतिम कोश में होते हैं, तो इस प्रकार से चार इलेक्ट्रॉन किसी से ही बंध बना के शेयर कर लेंगे। अब हमें आपको पता है अभी कि जो समूह 13 के तत्व हैं वो आपको क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना देंगे और इस प्रकार से यहाँ पर तीन बंध तो बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए यहाँ पर इनके पास कुछ नहीं रहता, खाली जगह रहती है, क्योंकि ये तो इन्होंने यहाँ पर बंध बना लिया एक एक इलेक्ट्रॉन देकर, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन थे अंतिम कोश में 13वें समूह के पास। ठीक, 13वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके पास अंतिम कोश में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि तीन इलेक्ट्रॉन देकर तीन बंध बना सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन, अब 14वें समूह के तत्व जो चूँकि एक इलेक्ट्रॉन और रखे हुए हैं, तो इनको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहता, वहाँ पर उनकी जगह पर खाली जगह रहती है समूह 13 के पास। तो ये खाली जगह है, इसी को कहते हैं धनावेशित अतिरिक्त छिद्र। ठीक, इसी की वजह से जो है यहाँ पर विद्युत धारा बहती है। ठीक है, तो ये होते यहाँ पर थे अर्धचालकों के प्रकार। अब अर्धचालकों का क्या उपयोग है इसको हम जानते हैं। तो अर्धचालक को संयुक्त करके, अर्धचालकों को अगर हम मिला दें एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों को, तो यहाँ पर डायोड बनते हैं और इनका उपयोग बच्चों रेडियो में, टीवी में, कंप्यूटर में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने आते हैं, आपने देखो बच्चों जो आईसी होती हैं, आईसी चिपें होती हैं जो सिलिकॉन की बनी होती हैं, जर्मेनियम की बनी होती हैं, वो इसी की बनी होती हैं अर्धचालकों की। तो इस प्रकार से इनका उपयोग बहुत जगह किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो है खासतौर से इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि समूह 14 के तत्वों को एन प्रकार के अर्धचालक में, समूह 14 के तत्वों को किसमें बदलना है, एन प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा, अब ऐसी कौन सी अशुद्धि मिलाएं कि एन प्रकार के अर्धचालक बन जाएं, किसमें मिलाना है समूह 14 के तत्व में, अपमिश्रित, अपमिश्रित का मतलब होता है उसको मिश्रित कर दो, इसको इंग्लिश में डोपिंग, जो कि हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है, मतलब हमें इसको बदलना है, क्या मिलाकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है, ऐसी अशुद्धि मिलाकर समूह 14 में कि वो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाए। तो हमने अभी देखा था नेगेटिव कैसे बना था जब हमने 15वें समूह के तत्वों को 14 में मिलाया था, तो यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए, तो यह अशुद्धि 15वें समूह से संबंधित होनी चाहिए। देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक वे होते हैं जिनकी चालकता में वृद्धि किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के अधिक्य के कारण हुई है या की गई है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है 14वें समूह के तत्व हैं और प्रत्येक में चार संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14वें समूह के जो भी तत्व होते हैं उनमें अंतिम कोश में कितने होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकट के परमाणुओं के साथ चार सहसंयोजी बंध बना लेता है, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए चार सहसंयोजी बंध ये बना लेते हैं। ठीक है, जब 15वें समूह के तत्व जैसे कि फास्फोरस आर्सेनिक को मिलाते हैं, इनमें पाँच संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाँच संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कोश में इसके पाँच इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पाँच इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पांच बंध बना सकते हैं, तो 14वें समूह के, 14वें समूह के चार तत्व चारों इलेक्ट्रॉन से संयोजी बंध बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन 15वें समूह का बच जाएगा। तो यहाँ चालकता में वृद्धि इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से सिलिकॉन जर्मेनियम को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम 15वें समूह के तत्वों को मिलाकर इसकी अशुद्धि को मिलाकर एन प्रकार का अर्धचालक में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों अर्धचालक और चालक वाला टॉपिक, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।